हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग फॉर लाइफ। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप फोटोशॉप में न्यू लेयर नहीं बना पा रहे हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब ऑप्शन डिसेबल्ड है, यहाँ पे मैं अभी न्यू लेयर नहीं क्रिएट कर सकता। तो आज हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे पास कुछ इमेजेस है, उसमें से मैंने ये इमेज इस पे फोटोशॉप में इम्पोर्ट की है। तो अभी आप देखो देख सकते हो कि यहाँ पे विजिबिलिटी में कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका नाम भी नहीं चेंज कर सकता, और ये लेयर मुझे डॉक दिख रही है, और नीचे के ऑप्शन भी सब डिसेबल्ड हो गए। ठीक है, अगर आप ऊपर की इमेज आप ऊपर के मेनू में भी जाओगे, अगर मैं लेट्स से इमेज मैंने ओपन किया तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन डिसेबल किए। इवन मैंने अगर फिल्टर भी ओपन किया तो यहाँ पे मैं इस इमेज पे कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये सब डिसेबल्ड है, लाइक ये सब ग्रेड आउट हो गया है। अगर मैं लेयर में भी जाता हूँ और यहाँ पे अगर न्यू न्यू में जाके मैं यहाँ से लेयर क्रिएट करना ट्राई करता हूँ तो ये भी सब ऑप्शन ग्रेड आउट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि अभी इसका रीज़न है कि हम एक्चुअली अभी इंडेक्स मोड में काम कर रहे हैं। कि अगर आप इमेज में जाओगे, यहाँ पे मोड पे जाओगे, यहाँ पे आपको वेरियस मोड्स देखेंगे, लाइक इंडेक्स कलर, ग्रे स्केल, आरजीबी कलर, CMYK, लैब कलर, एंड ये अभी हम 8-bit चैनल में, इसलिए ये अभी 8-bit दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, लाइक यहाँ पे भी इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इन ब्रैकेट आपको इंडेक्स दिखेगा। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स रहेगा तो हम यहाँ पे लेयर और कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते इस इमेज पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। तो मोड चेंज करने के लिए इमेज में जाके, मोड में जाके, अगर आप इंस्टेड ऑफ इंडेक्स कलर आप अगर आरजीबी कलर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस दिखेंगे। लेकिन आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी इंडेक्स का बैकग्राउंड हो गया है, यहाँ पे भी ऊपर जहाँ पे इंडेक्स था ब्रैकेट में, यहाँ पे भी RGB 8 हो गया है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि आपकी ये ऑप्शन इनेबल्ड हो गए। अगर मैं इसको नॉर्मल लेयर भी कन्वर्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पे अगर मैंने डबल क्लिक किया तो अभी इसको मैं नॉर्मल लेयर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, अभी इसकी विजिबिलिटी भी हैंडल कर सकता हूँ। अगर कि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए होगा या इमेज की विजिबिलिटी कुछ कारण से मुझे नहीं चाहिए तो अभी मैं इसकी कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको फिल्टर भी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यू सैचुरेशन लगाया तो अभी इसमें सब ऑपरेशन कर सकता हूँ, ताकि न्यू लेयर भी अभी बना सकता हूँ। आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, आप अगर आप इमेज में जाओगे, मोड में जाओगे, यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा सेम। तो अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।